दयावंती पुंज स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतामढ़ी में बाल दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को किया प्रदर्शित। भदोही सीतामढ़ी बाल दिवस के अवसर पर अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए दयावंती पुंज स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतामढ़ी भदोही के विद्यालयों ने महाविद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं ने एक कार्यक्रम आयोजन किया। इस दौरान सर्वप्रथम महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर अंजलि सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उक्त कार्यक्रम में बीए बीकॉम और बीएड के विद्यार्थियों ने खाने पीने तथा अन्य से संबंधित वस्तुओं का स्टॉल लगाया। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम भी संपन्न हुए। इस दौरान विद्यार्थियों ने वोकल फॉर लोकल के हुनर का परिचय देते हुए जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में पधारी महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर अंजलि सिंह ने कहा कि दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज विद्यार्थी के चहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। हम अपने विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान में सक्षम बनाते हैं बल्कि भविष्य में आने वाले चुनौतियों के प्रति उन्हें मजबूत और कुशल भी बनाते हैं। ये विद्यार्थी किसी भी समाज में अपनी दावेदारी एवं प्रतिभा का लोहा मनवा सकने के सक्षम हैं। जीवन मूल्य आधारित शिक्षा में मूल्य पर ध्यान देना आज के समय की ज़रूरत है। हर परिस्थितियों में हमारे ये विद्यार्थी अपने आप को ढाल सकते हैं। इनके द्वारा प्रायोजित इस हॉट में कई प्रायोगिक बिंदुओं को भी देखा गया। याद आने वाले समय में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय के अध्यापक विद्यार्थी कर्मचारी तथा आसपास के लोगों ने खूब खरीदारी करते हुए खाने पीने का लुफ्त भी उठाया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अनित दुबे, डॉक्टर अरविंद उपाध्याय, संतोष दुबे, विजय श्री जायसवाल, अखिलेश सिंह, आलोक कुमार, एकता केसरी, अविनाश और अखिलेश आदि शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ रफीक खान की खास रिपोर्ट।